जय हिंद, जय भारत। चलते हैं जन कल्याणकारी अपने चैनल की तरफ और होमगार्ड जवानों डिपार्टमेंट की खबरों की तरफ। चलते हैं जिला मुजफ्फरनगर, वहां पर 7 तारीख हमारा मुजफ्फरनगर में गेस्ट हाउस चरथवल, जो हमारा साल का अधिवेशन होता है हर जिलेवार, और मैंने श्रीमान जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर, वहाँ के श्रीमान SSP महोदय, वहाँ की LI को, वहाँ की प्रिंट मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, और वहाँ नज़दीक कोतवाली के थाना अध्यक्ष के सबको लिखित रूप में अवगत करा दिया हूँ। और 7 तारीख हमारा कोई धरना नहीं, हमारा सम्मेलन है। इसके बावजूद वहाँ के कमांडेंट और VO ये लोग जुटे हैं नाकाम करने के लिए, तो ऐसा नहीं होगा। किसी जवान को, किसी महिला बहन को, जवानों को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं रोड पे नहीं कर रहा हूँ, मैं गेस्ट हाउस में कर रहा हूँ। हर चीज़ से एसोसिएशन अवगत कराएगी कि साल में एसोसिएशन कितना काम कराया है, कितना लोगों के विरुद्ध लिखा पढ़ी किया है, और कितना लोगों को गलत करने वालों को कटघरे में खड़ा करने का कार्य एसोसिएशन किया है। आज इनके अंदर अगर लूट घसोट ना होती तो ये जिलावार धमकी दे रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं। जिलावार मतलब हर कंपनी को जो जाएगा उसको नोटिस दिया जाएगा, तो किस लिए नोटिस दिया जाएगा? मैं श्रीमान कमांडेंट महोदय और उन VO से पूछना चाहता हूँ, आखिर आपके अंदर कुछ है कि वहाँ की बात एसोसिएशन के नॉलेज में आ जाएगी, जो का जो वहाँ पर दोहरा हरण हुआ है और पैसा फर्जी निकाला गया है, उसमें सोच रहे हैं कि मेरी पोल खुल जाएगी और जो कुछ गलत सलत हो रहा वो पोल खुल जाएगी, इसके डर इसी के डर के वजह से, और जान नहीं ये जो लूट घसोट हो रही ये मेरा सब आ जाएगा सामने जो प्रदेश ने सरकार तक पहुंचेगी बात, इसलिए उनको बौखलाहट सवार है। यदि ऐसा करेंगे तो मैं जिला अधिकारी से डायरेक्ट मिलूंगा, वहीं कमांडेंट साहब को बुलवाऊंगा, और मेरी एसोसिएशन हाई कोर्ट के आदेश पर नवीनीकृत हुई है, वो मैं सब कागज लेकर रख दूंगा श्रीमान जिलाधिकारी के सामने, और मैं गलत कोई नहीं कर रहा हूं, मैं सही तरीके से अपना गेस्ट हाउस के अंदर साल का विवरण पूरा देने के लिए वहां बैठक आहूत की गई है, जिसको मैं संज्ञान में डाल दिया, सूचनार्थ ये डाल दिया हूं। तो इसलिए मेरा कहना है कमांडेंट महोदय जी से कि होमगार्ड जवानों को सताया ना जाए, परेशान न किया जाए, नहीं तो मैं उसी दिन सीधा जिला अधिकारी महोदय के सामने पेश को मैं बुलवाऊंगा फिर कमांडेंट साहब को। तो मेरा, मैं उनका नहीं बिगाड़ने जा रहा हूँ, मेरे साथ जो मेरा जो हक अधिकार है उसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, उस संबंध में सारा पूरे जिले का पुराना जो 23 खत्म हुआ इसका पूरा विवरण देना है जिला मुजफ्फरनगर सभी जवानों को, सभी महिलाओं को उससे अवगत कराना है, और आगे क्या करना है, कैसे करना है वो हम कार्यकारिणी को बताएंगे, किस तरीके से कार्य अपने जवानों के हित में करना होगा। इन बातों पर विचार विमर्श होगा, और कोई मेरी धरना और प्रदर्शन नहीं है, मैं कमांडिंग से कोई उनके विषय में नहीं बोलना चाहता, यदि मिलेगा तो हम जरूर सरकार के सामने रखेंगे,
उस पर हमको शिकायतें अगर मुजफ्फरनगर से मिली हमारे जवानों से तो उसका मैं खुलासा करूंगा। बाकी मेरा सम्मेलन है, साल का आखिरी साल है, इस पे पूरा विवरण देना है, इसलिए मैं मुजफ्फरनगर आ रहा हूँ। लिहाजा मैं फिर दोहरा देता हूँ कमांडेंट महोदय से कि किसी को धमकाया गया या डराया गया तो ये अच्छी बात नहीं है, ये सब बंद कर दें। वो भी देश के नागरिक हैं, उनका हक अधिकार है, अपने हक अधिकार की हम लड़ाई, कानूनी लड़ाई लड़ना जानता हूँ। धरना प्रदर्शन हमको किसी का अनहित नहीं करवाना है, और विश्वास है तो कानून से है, न्याय पे है, न्याय से मिला है और न्याय से और दिलाने जा रहा हूँ। जो हमारी रेट फाइनल होने वाली है, जो पुलिस कांस्टेबल का वेतन और मिनिमम वेतन व वेतन ग्रेड नहीं लगाए हैं, उसके तहत अभी तो हमारा 7.5 से 8 के बीच में पर डे कम मिल रहा है, तो इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं वो बिल्कुल फाइनल है। हम आपसे नहीं कि आपको गरेर करके आपके हक अधिकार में है नहीं तो हम आपको क्यों परेशान करें। हम सीधा सरकार से और कोर्ट की लड़ाई लड़ रहा हूँ, कानूनी लड़ाई लड़ रहा हूँ। जो भी हमका करना होगा कानून से लेंगे और कानून के सामने रखेंगे, इसलिए किसी जवान को सताया ना जाए, उनको धमकी ना दी जाए, उनको परेशान ना किया जाए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, इसके परिणाम सबको भुगतना पड़ेगा। मैं खुले शब्दों में ना गलत करता हूँ ना गलत बर्दाश्त करता हूँ, यही मेरा सुझाव है श्रीमान कमांडेंट महोदय जी से और सभी बीओ और इंस्पेक्टरों से, और विशेष जो आवेतनिक अधिकारी हैं तो खैर वही गुलामी गुलाम बना दिए थे ये लोग, ऐसे लोग तो ये तो मैं जानता हूँ, ये लोग आवेतनिक वाले वैतनिक का हमेशा कार्य किए हैं और होमगार्ड जवानों का अनहित किए हैं, दुहन किए। तो ये आवेतनिक अधिकारी जो है इनको छोड़ा नहीं जाएगा अगर गलत कर रहे हैं, उनको खबर मिली है कई प्लाटून कमांडर और कंपनी कमांडर ये होमगार्डों को बहुत सताए हुए हैं, इन्हीं के द्वारा सब कराया ही जाता, यही करते हैं। तो मेरा फिर कहना है यदि हमारे जवानों को सताया गया, धमकी दी गई और किसी प्रकार का गलत नोटिस दी गई तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।